मदर्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं, मैं आशीष तिवारी। दर्शकों को मदर्शन में हम उन मनीषियों, संतों और भागवताचार्य श्री से आपको यहां से आशीर्वचन दिलवा रहे हैं। कुंभ की महात्म क्या है और विशेषताएं क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। आज हमारे साथ परम पूज कथा व्यास, सुप्रसिद्ध कथा व्यास अगर कहें तो इसमें कम नहीं होगा, परम पूज रमणीक जी महाराज हैं। इनसे जानते हैं और इनके बारे में जानते हैं, संग संग कुंभ के महात्म्य के बारे में जानते हैं। पूछिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। मैं भागवताचार्य डॉक्टर रमणीक कृष्ण आज इस दिव्य व भव्य कुंभ में संपूर्ण भारतवर्ष के संत महापुरुषों और भिन्न भिन्न प्रांतों से, भिन्न भिन्न राज्यों से पधारे समस्त भक्तजनों का आज यहाँ पे ऐसा सुंदर स्वरूप देख के, ऐसा सुंदर भाव देखकर आज मन को अत्यधिक हर्षित व उल्लास की प्राप्ति हो रही है। ज्ञात हो रहा है कि ये कोई साधारण कुंभ नहीं, जिसमें विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ, विभिन्न प्रकार का दर्शन, भारत का संपूर्ण दर्शन यदि हम कहें तो ऐसा दर्शन केवल हमें कुंभ में ही प्राप्त हो सकता है। इस दर्शन में भिन्न भिन्न प्रांतों की संस्कृतियाँ, चाहे वो गुजरात का दर्शन हो, चाहे वो सौराष्ट्र का दर्शन हो, महाराष्ट्र का दर्शन हो, या दर्शन हो उत्तर प्रदेश का, या फिर दर्शन हो भिन्न भिन्न राष्ट्र के प्रांतों का, यहाँ पर हमें सभी का समावेशन इस कुंभ में, इसका दिग्दर्शन प्राप्त होता है। वास्तव में कुंभ का महत्व क्या है? धार्मिक दृष्टि से अगर हम कुंभ विषय पर चर्चा करें तो कुंभ वैदिक परंपरा से चला हुआ हमारा जो निर्वहन है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कार्यक्रम है, जिसमें धन्वंतरी भगवान वास्तव में इस कुंभ को, कलश को लेकर मानो संपूर्ण जगत को अमृत के रूप में उसका पान कराते हैं, रस पान कराते हैं। ये रस क्या है? ये रस है भक्ति का, ये रस है ज्ञान का, ये रस है वैराग्य का। अर्थात कुंभ में हमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सबका सम्यक दर्शन होता है। इसलिए आज के इस भौतिक वातावरण में, आज के इस भौतिक परिचरण में हम अगर देखें तो इसमें हमें भिन्न भिन्न संस्कृतियों का मिलन धार्मिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है। भौतिक दृष्टि से अगर हम चर्चा करें तो आज के भौतिकवादी समय में कि मानव के पास मानव से चर्चा करने का समय नहीं है, बात करने का समय नहीं है, आज परिवार के भी सदस्य इकट्ठे नहीं बैठते, परंतु यहाँ पर जो ये कुंभ का समावेशन हो रहा है इसमें परिवार के सभी सदस्य, यानी अयम निजः परो वेति अयम गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, इस श्लोक का वास्तविक अर्थ का अगर अनुवाद किया जाए तो वो कुंभ में दृष्टिगोचर होता है कि ये मेरा है, ये पराया है, ये गणना छोटे हृदय वाले व्यक्ति करता है। जिसका हृदय विशाल होता है उसके लिए संपूर्ण पृथ्वी अपने परिवार के तुल्य होती है। आज ये दिग्दर्शन इस महाकुंभ में हमें दृष्टिगोचर हो रहा है। भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ, भिन्न भिन्न लोग यहाँ पर इकट्ठे बैठ के हरि नाम करते हैं, हरि चर्चा करते हैं, आपस का संवाद करते हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि ये कोई साधारण मिलन नहीं, ये कोई साधारण समायोजन नहीं। ये अगर इस कुंभ का नाम दिया गया दिव्य व भव्य, तो इस नाम की सार्थकता वास्तव में यहाँ पर सच्चे रूप में दृष्टिगोचर होती है। तो ऐसे शुभ, दिव्य, पावन कुंभ में आज पधारे हुए समस्त संत महात्मा, समस्त भक्तजन, सभी वैष्णवजन, सभी का आज यहाँ पर हम हृदय से भी वादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ऐसा भाव, ऐसा आशीर्वाद समस्त भारत के जन को और समस्त संत जनों के चरणों में, ऐसा हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पूज्यश्री, एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जब संत समागम हो रहा है, यहाँ पे पावन नदियों का मिलन हो रहा है, कहा जाता है कि इस आयोजन में, क्षेत्र में स्नान दान और साथ साथ अगर भगवत भजन करें, जैसे श्री रामचरित मानस जी का पाठ हो, श्री राम कथा जी का है, और संग संग श्रीमद भागवत कथा का किस तरीके से श्रवण करना चाहिए, क्या कुछ लाभ होगा? श्रीमद भागवत महापुराण या मानस कथा, श्री रामचरित मानस, कुंभ में इन कथाओं का श्रवण अत्यधिक फलदायी है। वैसे तो श्रीमद् भागवत सप्ताह, 7 दिनों का जो ये यज्ञ होता है, इस यज्ञ का श्रुति फल हमें, इसका श्रुति फल का जो दर्शन है वो जीवन में पग पग पर दिखाई देता है। परंतु इस कुंभ क्षेत्र में साक्षात जहाँ पर
जो हमारे भारतवर्ष में चार स्थानों पर कुंभ का समायोजन होता है, चाहे वो जैन हो, चाहे वो प्रयाग हो, और चाहे फिर वो हमारे अन्य अन्य क्षेत्र हों, उन क्षेत्रों में हरिद्वार हो या अन्य क्षेत्र हो, कहीं पर भी कुंभ का समायोजन जो होता है, इस समायोजन में श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। कथा का श्रुति फल वास्तव में बहुत अधिक फल देता है। सुनना और सुन के उसके ऊपर मनन करना, सुन के मनन करना अत्यधिक फलदायी है। वास्तव में कुंभ में सुनी गई कथा अन्य क्षेत्रों से सुनी गई कथा का हजारों गुना ज्यादा फल देती है, अनंत गुना फल देती है, ऐसा इसका महत्व है। खुशी, आपका बहुत बहुत आभार। जय पारस चैनल ऐसे ही संत मनीषियों का आशीर्वचन आप तक पहुंचा रहा है। इसी प्रकल्प में आज हमने परम पूज्य से ये जानकारी ली, यहाँ के विषयों में आपको, यहाँ की विशेषताओं के बारे में, धर कल्पनाओं के बारे में आपको जानकारी दी। इसी प्रकल्प में हम आगे अन्य मनीषियों से लेते रहेंगे और आप तक जानकारी पल पल की गतिविधियां देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय जय प्रयागराज।